Hi, I'm Karuna from Vasudev Vidya Mandir. The code of this video is #59. और आज की वीडियो में जो है हम कुछ commonly used term पढ़ेंगे जो कि हम day to day life में अपनी use करते हैं और हो सकता है हमें उनका meaning ना भी पता हो. तो आज उसी उन्हीं कुछ terms की मैं आपको information देना चाहती हूँ. आप कोई भी age group के हो, student हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए ये useful होगी, I hope so. So first is AM. AM मतलब आप टाइम देखते हैं और बोलते हैं 8 AM, 9 AM, 7 AM, सुबह के 7 बजे, 8 बजे. बट कभी आपने जानने की कोशिश की है कि उस AM का फुल फॉर्म क्या होता है, वो AM कहाँ से आया? तो AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम. एंटी मेरिडियम जो है एक लैटिन लैंग्वेज का टर्म है और इसका मीनिंग होता है बिफोर मिड डे, मतलब मिड डे से पहले. मिड डे आपको पता है 12 बजे से पहले जो है हम AM का यूज़ करते हैं, जैसे सुबह के 9 बजे, 9 AM. तो वहाँ पर AM की फुल फॉर्म क्या होगी? हमारा एंटी मेरिडियम. और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? बिफोर मिड डे. नेक्स्ट इज PM. आपने सुना होगा 8 PM, 9 PM, मतलब रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे. तो उस PM का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम. पोस्ट मेरिडियम, इसका मीनिंग क्या होता है? आफ्टर मिड डे, मतलब आधे दिन के बाद. क्लियर है? नेक्स्ट इज एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. काफ़ी सारे लोग जो है, स्टूडेंट्स भी जो है, कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब इन वर्ड्स को सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं, एमिग्रेशन इमिग्रेशन. बट दिस इज़ रॉन्ग. दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है. एमिग्रेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ पीपल लिविंग वन कंट्री. जब भी देखिए ई से आ जाए ना, ई से, एमी से आप समझ लीजिए एग्जिट होना. तो जब कोई पर्सन जो है अपनी कंट्री को छोड़ता है और दूसरी कंट्री में सेटल होने जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एमिग्रेट. या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे एमिग्रेशन. फॉर एग्जांपल, मैं इंडियन हूँ और मैं कनाडा शिफ्ट होना जा रही हूँ या मैं अपनी कंट्री को छोड़ रही हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगी? एमिग्रेंट. ठीक है, एमिग्रेशन आपको समझ में आया? प्रोसेस ऑफ पीपल लिविंग वन कंट्री. इसी तरीके से आ जाता है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? आई से इम, आई से इन, इन समझ लो. जब लोग जो हैं अपनी होम कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल बिकम्स रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री. एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो है कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है, इमिग्रेशन. जैसे मैं कहती हूँ कोई पर्सन अमेरिका का रेजिडेंट है और वो अमेरिका छोड़ के मेरी कंट्री में सेटल हो जाता है, समझ में आया? तो वो इंडिया में आ गया, तो वो क्या, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इमिग्रेशन. और अगर मैं इंडिया छोड़ के कहीं और सेटल होती हूँ तो इस प्रोसेस को कहेंगे एमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के जाना और इमिग्रेशन मतलब दूसरी कंट्री से किसी और कंट्री में आना. ठीक है, नेक्स्ट इज शहनाई. मतलब आजकल, कल जो है मैं बहुत देख रही थी बच्चे फ्लूट प्ले कर रहे थे जन्माष्टमी के ओकेशन पे, तो वहाँ से मेरे को ध्यान में आया कि मैं कुछ शहनाई के बारे में आप लोगों को बताऊँ. जैसे शहनाई आप हर ऑस्पिशियस ओकेशन में सुनते हैं, तो ये शहनाई जो वर्ड है ये कहाँ से आया? तो शहनाई जो वर्ड है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आया है, शाह प्लस नाई. शाह प्लस नाई मीन्स शहनाई. इसको शहनाई नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शहनाई जो है वो सबसे पहले किसी किंग के दरबार में बजी थी. शाह, शाह मतलब किंग, किसी राजा महाराजा के दरबार में बजी थी. और इसको पहले प्ले करने वाला, मतलब जिसने सबसे पहले इसको प्ले किया उस किंग के कोर्ट में, वो था एक नाई. तो शहनाई मतलब राज दरबार में ये बनी बजी और इसको किसने बजाया था? एक नाई ने बजाया था, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? शहनाई. सो आई होप ऑल दीज टर्म्स विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.